हाय एवरीवन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे और एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अभी दोपहर के बज रहे हैं एक, तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और आज प्रेम जी जा रहे हैं घर कुछ ज़रूरी काम से, वो देख सकते हैं स्कूटी में। तो चलिए इनको गेट तक छोड़ देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और दिखाएंगे हमारे आश्रम में। आज फिर से काफ़ी सारे बंदरों का समूह यहाँ पहुँचा हुआ है। चलो आप और काफ़ी तेज धूप है और देख सकते हैं पीछे से आ रहे हैं प्रेम अपना स्कूटी ले करके। तो चलिए बैठ लेते हैं हम भी गेट तक, साथ में चलते हैं हम लोग दोनों। और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोनों साइड किस तरह पेड़ लगे हुए हैं। ये रही हमारी मेन गेट यानी प्रवेश द्वार, यहीं से जितने भी लोग आते हैं यहीं से एंट्री करते हैं। सो गाइज फाइनली हमने गेट खोल दिया है और देख सकते हैं धूप के कारण प्रेम ऊपर से अपने माथा में गमछा ले लिए हैं। तो गाइज इनके साथ बने रहिएगा, हम तो इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं और इनका सफ़र अच्छा रहे। आप लोग बस प्रार्थना कीजिए, ठीक है, बढ़िया आ गया। चलिए सो गाइज फाइनली प्रेम निकल चुके हैं। अब चलिए आपको सीधे दिखाते हैं बंदरों का नज़ारा। काफ़ी छोटे छोटे क्यूट क्यूट बंदर आए हुए हैं जो कि काफ़ी शरारत कर रहे हैं आश्रम के अंदर। काफ़ी यहाँ जितने भी लगे हुए सब्जी हैं, आम के पेड़ हैं, सब आम के पेड़ से तोड़ तोड़ के सारा आम खा जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं, आगे देख सकते हैं कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारी आवाज़ सुन करके भाग जा रहे हैं। और एक बंदर देखिए वहाँ पानी पी रहा है, दिखाते हैं जूम करके किधर गया। हाँ तो चलिए पहले छिप जाते हैं, देखिए किस तरह दौड़ रहे हैं। घना पत्ता होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए हाई करो, देखिए वहाँ बैठा हुआ है, चोरी कर रहा है, आम चोरी कर रहा है, भागता है कि नहीं यहाँ से बोलो, चल भाग चल। देखिए किस तरह उछल रहा है, छिप छिप के दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ नीचे बैठा हुआ है दो बंदर, देखिए इधर ही आ रहा है, देखिए किस तरह बैठा है। एक छोटा बच्चा भी है जो कि काफी क्यूट लग रहा है बेबी, और हमें देख लिया है शायद ये लोग। चलिए नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भागना मत, देख लिए तुम लोग का नौटंकी। देखिए कितना सामने है, पूंछ तो काफी लंबा है, लग रहा है लंगूर है। अरे यार देख सकते हैं किस तरह दौड़ रहा है, और ये देख सकते हैं अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है और ये भी भागने लगी। देखिए किस तरह दौड़ रही है। फाइनली रूम के अंदर पहुंच चुके हैं और ये रही मटका, काफ़ी ठंडा लगता है, फ्रिज भी फेल है इसके सामने। और यहाँ कुछ आम रखे हुए हैं देख सकते हैं, जो कि अभी से कुछ आम यहाँ पकने के लिए दिया गया है पाउडर देके, जो कि संदीप ही सब कुछ करते हैं। और इधर दिखाते हैं कौन कौन है अंदर में, देख सकते हैं दो हीरो इधर सोया हुआ है काफ़ी मस्ती में। क्या कर रहा है रे तुम लोग, इधर देखो क्या कर रहा है, है बोलो। ये है महादेव, ये है आदि। सो गाइस चलिए अब आपको अपनी पारो से मिलवाते हैं, हमारी पारो क्या कर रही है आपको दिखाएंगे। काफ़ी दिनों से आपको पारो से नहीं मिलवाए हैं,
तो चलिए, और कपारो आजकल काफ़ी शरारत करती है, काफ़ी बड़ी हो गई है, तो चलिए मिलवाते हैं आपको। और यहाँ देख सकते हैं पारो यहाँ अकेले इधर क्या कर रही है। पारो क्या कर रही है? पारो सगाज देख सकते हैं पारो यहाँ छाव में है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे आम काट करके रखे गए हैं अचार बनाने के लिए। देख सकते हैं हरदी देखकर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये है मशीन दूध पैक करने की, देख सकते हैं आप लोग, देखे थे कि नहीं दूध पैकिंग करने वाली मशीन। और इधर कुछ गाय है, चलिए आपको गिर गाय दिखाते हैं। गाय गिर गाय देखिए, यहाँ काफ़ी सारे गाय हैं। और ये है राजस्थानी गाय, देखिए एकदम क्या बोले हैं, एकदम सांड की तरह दिखते हैं, काफ़ी डेंजर है। और इधर भी एक है, यही सबसे खतरनाक है, देखिए। और इधर छोटा छोटा बच्चा है देखिए, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और आज सभी गायों को नहलाया गया है, तो चलिए दिखाते हैं नहा धो के कैसे लग रहे हैं सारे गौ माता। और देख सकते हैं ये रही गिर गाय, आप लोग देखे थे कि नहीं गिर गाय, आपको दिखाते हैं आज, देखिए, जो कि रेड कलर के होते हैं, गेरुआ कलर के। क्या खा रहे हो? और ये लोग चोकर खा रहे हैं, चोकर देखिए। ये होते हैं गिर गाय, जो कि सांड की तरह दिखते हैं, बट ये जितने भी आप देख पा रहे हैं सभी गाय हैं, देखिए देखिए हम देखिए। सो गाइस, आप लोगों के साथ साथ हमारी पारो भी गौशाला के अंदर देख सकते हैं सफर कर रही है, कितनी प्यारी लग रही है हमारी पारो, काफ़ी खूबसूरत देखिए। और ये सारे गिर गाय हैं देखिए, गिर गाय। चलिए अब आपको दिखाते हैं गोइठा, देखिए ये सारे गोइठा है, जो कि जलावन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ गोबर रखा हुआ है इकट्ठा करके। और ये रही मशीन, देख सकते हैं इसी से गोबर निकाला जाता है, गोबर की बोल रहे गोइठा निकाला जाता है, जो कि देख सकते हैं सूखने के लिए रखा गया सारे गोइठा को। और यहाँ कुछ महिलाएं भी देख सकते हैं, जो कि सूखे हुए गोइठा को अंदर कर रहे हैं रूम के अंदर, क्योंकि पूरे बरसात में इसी का जलावन किया जाता है, और अभी भी इसी का ही जलावन किया जाता है। सो गाइस, लगभग लगभग आपको पूरे आश्रम का चक्कर लगवा ही दिया, तो चलिए और देख सकते हैं। हाय करो पारो, सबको हाय करो, पारो हाय करो सबको, देख सकते हैं चुपचाप है पारो आज, और काफ़ी खुश है आज हमारे पास आके, देखिए लग रहा है कितना ऊंचा में चढ़ के बैठेगी, इसको नीचे कर देते हैं। चलो कंधा में आओ, कंधा में, कंधा में आओ, कंधा में आओ, हाँ अब देखो अब कितना खूबसूरत लग रही है हमारी पारो, देख सकते हैं आँख लिपलिपा रही है, शायद पारो को नींद आ रही है। चलिए रूम के अंदर ले चलते हैं इसको, और थोड़ा हम भी कुछ आराम कर लेते हैं, काफ़ी तेज़ धूप है और काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए दोपहर को ही वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सोचे चलिए आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस, फाइनली पारो को लेकर के रूम में आ चुके हैं, अब चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज का हमारा ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।